नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2023 में कौन सा सत्याग्रह अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर गया है? तो ये है बायकॉम सत्याग्रह, और ये जो है शताब्दी वर्ष में जो है प्रारंभ हो चुका है। अगले प्रश्नों को देखें। रक्षा मंत्रालय ने 12 वेपन लोकेटिंग रडार की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इन हथियार लोकेटिंग रडार का नाम जो है क्या है? तो ये हो जाएगा WLR स्वाति। अगले प्रश्नों को देखें। मार्च 2023 में WHO द्वारा किन दो देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो वो देश अजरबैजान और ताजिकिस्तान है। दुनिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया? ये जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, तो ये हो जाएगा 30 मार्च 2023 ईस्वी को। भारत की पहली क्लोन देसी गिर नस्ल की मादा बछड़ी का नाम क्या है? तो भारत की पहली क्लोन जो है देसी गिर नस्ल की जो है मादा बछड़ी है, इनका नाम जो है गंगा रखा गया है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस चीता ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया है? तो ये जो है सियाया चीता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक भारत ने 4 जीते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मार्च ये पहली महिला प्रीमियर लीग अब की बार हुआ था, वुमेन जो है IPL हुआ था, तो इसमें किसने जीत दर्ज की थी? तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की थी। अगले प्रश्नों को देखें। अरावली हरित दीवार परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अरावली हरित दीवार परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात शामिल है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अरुधारा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, तो अरुधारा जो है ये है क्या? तो ये हो जाएगा, यह एक प्रकार का जो है रडार है। भारत सरकार प्राचीन शारदा पीठ मंदिर के लिए एक गलियारा खोलने की योजना बना रही है जो स्थित है, तो ये कहाँ पर जो है स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पाक अधिकृत जो है ये कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? पेयजल सुरक्षित उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 26% आबादी को उपलब्ध नहीं है। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो ये देश भारत ही हैं। भारत का लक्ष्य ग्रीन शिप निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना है, कब तक में जो है भारत का लक्ष्य है ग्रीन शिप निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना? तो यह हो जाएगा 2030 ईस्वी में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, और ये कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही है। और 137 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2 और 3 सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस डॉक्यूमेंट्री ने 95वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु पुरस्कार जीता है?
95वें ऑस्कर अवार्ड में, तो यह है द एलिफेंट वी स्पर्स। अगले प्रश्न को देखें। बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत मार्च 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है दो बाघ छोड़े गए इस योजना के तहत, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो है छोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार देश में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व किन दो जिलों में है, भूस्खलन घनत्व जो है किन दो जिलों में है, तो यह हो जाएगा रुद्र प्रताप और टिहरी गढ़वाल। भारतीय वायुसेना कमांड पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, भारतीय वायुसेना के कमांड पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला शालिजा धामी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर वार्षिक प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित कितना है, तो ये हो जाएगा 1,72,000 रुपया। बिहार संग्रहालय ने अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का एक महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की। अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का जो है एक महोत्सव का पहले संस्करण की मेजबानी कब से कब तक किया था, तो आंसर हो जाएगा 17 से 19 मार्च के दौरान में। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं और यह है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। 20वें CSIGE गवर्नेंस पुरस्कारों में किस राज्य को ई गवर्नेंस के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, तो ये है बिहार। स्थलीय गामा विकिरण के स्तर की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सेंसर बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो यह हो जाएगा पटना शहर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये चौथे जल पुरस्कार समारोह था क्रम में, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था और ओडिशा दूसरे स्थान पर था, उसके बाद बिहार को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ था और मध्य प्रदेश को पहला स्थान। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट 1919 के विरुद्ध किस तारीख को एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था, जो हड़ताल किया गया था 6 अप्रैल को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी द्वारा पुनः शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कोई भी भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न को देखें। किसने भारतीय साहित्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, और यह कथन जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। स्वदेशी आंदोलनों से प्रेरित होकर 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने चित्रित किया था, भारत माता के प्रसिद्ध चित्र को जो है अवनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा छवि प्रस्तुत किया गया। मद्रास में किसने तमिल लोक कथाओं का एक विशाल 4 खंड संग्रह द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया प्रकाशित किया था, तो ये हो जाएगा नाटसा शास्त्री ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था, जिसमें 8 कमल था, एक अर्ध चंद्र था और केंद्र में एक पहिया था घूमता हुआ, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित करना है। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था, और उसके बाद देखें
साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था 1928 में, नियुक्ति हुई थी 1927 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। तो दो हो जाएगा पहले साइमन कमीशन, 2-1-4-3, 2-1-4-3 यानी विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सुभाष चंद्र बोस को किस सत्र में दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पहली बार चुना गया था प्रथम बार हरिपुरा 1938 में, जो कि गुजरात में है, और दूसरी बार चुना गया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसी के बाद जो है त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर लिए थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखें कौन कौन सा विकल्प जो है सत्य हैं। आज़ादी के बाद गोवा एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहा। तो 1510 से 1961 तक गोवा पर जो है पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों का ये उपनिवेश था। आज़ादी के बाद पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था, बिल्कुल सही है। और गोवा 1961 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था, ये भी सत्य है। पांडिचेरी 1969 में केंद्रशासित प्रदेश बना था। तो 1963 में जो है पांडिचेरी एक केंद्रशासित प्रदेश बना था, तो इसलिए 2 और 3 विकल्प सत्य हैं। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। अगले प्रश्न को देखें। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा बिहार बंधु, 1872 में जो है कोलकाता में स्थापित हुआ, उसके बाद पटना में शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो अशोक के शिलालेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान नाम का सबसे पुराना प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण सासानिया ईरानी शासक शापुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम लेख में मिलता है, बिल्कुल सही। एक राज्य के रूप में भारत का पहला निश्चित उल्लेख पाणिनि की पुस्तक 8 अष्टाध्यायी में मिलता है, राज्य का रूप में भारत का पहला निश्चित उल्लेख, ये भी सही है। तो गलत कोई है ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से झोंकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? चौहंद्रों से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वेद के पाठकर्ता को उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है? तो सामवेद के, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठन करने वाले को होत्री या हाता, और यजुर्वेद के पाठन करने वाले को अथर्वयु, अथर्ववेद के ब्रह्मा। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वैदिक ऋचाओं में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है जिन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है तो वह हैं ऋषभ देव, और पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव यानी ऋषभनाथ, और दूसरे यानी 22वें क्रम के जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। हर्यक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक, तो हर्यक वंश की स्थापना जो है मगध पर बिंबिसार ने किया था, और अंतिम शासक हुआ था नागदशक। अगले प्रश्न को देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी समाहर्ता था। अगले प्रश्न को देखें। द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है क्या? द्वैध शासन की सही रूप से परिभाषा तो ये होगा अधिकार के बिना दायित्व। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन की मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस के मंच से पहली बार दी गई थी? 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
कोलकाता अधिवेशन में। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने किस वर्ष भारत नामक पत्रिका प्रारंभ किया? भारत नामक पत्रिका जो है 1890 ईस्वी में प्रारंभ किया। ऋग्वेद में प्रसिद्ध युद्ध है दस राज युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो इस युद्ध में भाग लेने वाले दस राजाओं के संघ के पुरोहित कौन थे? दस राजाओं के संघ के पुरोहित तो ये हो जाएगा विश्वामित्र थे। सल्तनत काल में किस युग ने एक नए विभाग दीवान ए रियासत की स्थापना, दीवान ए रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत की शासक राजिया सुल्तान ने किसे अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था? तो दिल्ली की गद्दी जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद प्राप्त किया था। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? उज्जैनी यानी कि उज्जैन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंगाल के विभाजन के बारे में सत्य है? बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल प्रांत दो प्रांत को दो भागों यानी पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित किया गया था, तो ये बातें सत्य हैं। पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित किया गया। बंगाल विरोधी विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, ये भी सही है, तो सभी सत्य हैं। निम्न में से किसे बिहार का दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था? तो बिहार का दीवानी अधिकार जो है राजा सीताब राय को बनाया गया था, और दुर्लभ राय उड़ीसा के थे, मोहम्मद रजा खां बंगाल के थे, और नजम उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कार्य किए गए हैं देखें तो आत्मीय समाज की स्थापना, और उसके बाद देखें तत्वबोधिनी सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ये नहीं किया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था। वेदांत सोसाइटी और मिरातुल अखबार किया गया था। नारायण गुरु के आशीर्वाद से 1923 में नीलगिरी पहाड़ियों में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने किया? तो यह जो है नटराज गुरु ने किया था। असत्य युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का देखें तो चेरो विद्रोह भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद देखें तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत पायका विद्रोह किनके द्वारा? तो ये खोरदा के राजा जगबंधु के द्वारा, बिल्कुल सही है। तना भगत आंदोलन जो है गोमधर भगत के द्वारा दिया गया, तो यह हो जाएगा ये तना भगत जो है जतरा भगत के द्वारा किया गया था, जतरा भगत के द्वारा किया गया था तना भगत आंदोलन। जैन धर्म किसके शासनकाल में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में, जब मगध में जो है भीषण अकाल पड़ा था। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था, तो देश के मुखिया क्या कहलाता था? गोप्ता कहलाता था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने किया था? तो यह हो जाएगा सोहन सिंह भखना के द्वारा किया गया था। और लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किस वंश के शासनकाल में था? द्वैध शासन प्रणाली कुषाण वंश के शासनकाल में रहा था, और बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लगाया गया था क्लाइव के द्वारा,
और 1772 में बारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। डांडी मार्च में बिहार से कितने लोगों ने भाग लिया था, जो कि 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और एकमात्र जो है बिहार से डांडी, ये जो है गांधी जी के अनुयायी थे जिन्होंने कि भाग लिया था। ये दरभंगा से थे गिरिवर चौधरी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण जो है किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण जो है देवानाम प्रिय की उपाधि धारण से ही मिलता है, देवताओं में प्रिय। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि 2026 ईस्वी तक जो है प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है, यथावत रहेगी? 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 ईस्वी में यह व्यवस्थाएं की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा इनमें से जो है सत्य है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति, जिला परिषद, बिल्कुल सही है। बिहार में सरपंच यानी न्यायिक कार्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, गलत है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं सरपंच। बिहार में पंचायत प्रमुख का चुनाव ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य जो हैं चुनते हैं पंचायत प्रमुख को। तो 1 और 3 जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं गलत कथन को। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में नियुक्त है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, सही बात है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है, तो कार्यकारी शक्ति जो है नहीं बल्कि एक न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति, इसीलिए यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार देता है? तो राज्यपाल इसके लिए अनुच्छेद 200 का इस्तेमाल करता है। अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? 275 अनुच्छेद तो ये हो जाएगा संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देने से संबंधित हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? हम भारत के लोग, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, ये जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, इस प्रकार से जो है शब्दों का चयन करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, फिर उसके बाद हो जाएगा गणतंत्र, फिर हो जाएगा लिबर्टी, यानी विकल्प डी। किस मामले के बाद बुनियादी संरचना के सिद्धांत को आकार मिला था, किसके बाद मिला था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। बिहार में शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुच्छेद 47 के जो है सिद्धांत पर आधारित हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष कम से कम होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों का राज्यसभा सीटों की संख्या बराबर है? राज्यसभा की सीटों की संख्या बराबर है, देखें तो आंध्र प्रदेश में जो है 11 है और गुजरात में 11 है। महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा सीटों की संख्या,
18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा महाराष्ट्र में, राज्यसभा में 19, तो समान इसमें नहीं है। महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में कितना है, 18 है, तो इसमें भी समान नहीं है। बिहार और बंगाल में 16-16 हैं, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। सिक्किम में 1 है और मणिपुर में भी कितना है, 1 है। सिक्किम मणिपुर में भी 1 है, तो ये भी सही है, यानी कि सी और डी विकल्प जो है बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम जो है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए, अध्यक्ष सहित। धन विधेयक के संबंध में सही कथनों का जो है चुनाव करना है। इसे धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, किसी भी सदन में नहीं बल्कि केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, तो सहमति आवश्यक नहीं है बल्कि सहमति लेनी होती है, पूर्व अनुमति। धन विधेयक से संबंधित में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति की संरचना क्या होती है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और ये जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हैं, तो विधानसभा एक दिल्ली में है और उसके बाद पुदुचेरी में है, और उसके बाद देखें तो किस में है, जम्मू कश्मीर में 89, दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 33 है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का सीमा विस्तार किस देश के साथ सबसे कम है, सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक जो है तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ देखेंगे तो 1751 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो कि सबसे कम है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर कुमायूं हिमालय का भाग है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी, दक्षिणी पठार से आकर तो ये टोंस और जो है सोन नदी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कपासी बादल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर बनते हैं, तो कपासी बादल जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। एशिया का कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला मध्य अटलांटिक कटक हो जाएगा। काराकोरम कैलाश जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किस नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी हुगली नदी को कहा जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, देखें। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, बिल्कुल सही है। दालों की को नमी की आवश्यकता होती है और वह शुष्क परिस्थिति में जीवित रह सकती है, नहीं लगा दिया तो गलत है। अरहर हवा से नाइट्रोजन स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करता है, तो मिट्टी की जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अरहर को छोड़कर सभी फसलें जो है करते हैं। उसके बाद देखें तो यानी ये गलत ही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में किस पदार्थ की कमी होती है, तो लेटराइट में जो है नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस ये सभी की कमी होती है।
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वन आवरण की आवश्यकता है? वन आवरण की आवश्यकता है मैदानी भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र को? तो 33.3% हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रकाश का तरंग हाइगेंस ने दिया था और कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे कम देखें तो सिक्किम जो है कम करता है, क्योंकि सिक्किम मेघालय की सीमा से ही केवल सटा हुआ है और ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन दो अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। गंगा के दक्षिणी तटबंध से सटे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहा जाता है। गोगाबिल झील को वर्षा के अतिरिक्त जल किस नदी से प्राप्त होता है? गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है तो इन्हें महानंदा नदी से मिलती है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच अंतर, पुरुष है 71.2%, महिला है 51.5%। अगर देखा जाए तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 7। अब यहाँ पर है 70, 51-19-70, यानी कि 19.7% हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 2022 में भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2022 में कौन हो गया था? तो ये उत्तर प्रदेश ही था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखें ज्वार, बाजरा, ये सत्य हैं, मूंगफली तिलहन, चुकंदर रेशेदार फसल है, ये तो बिल्कुल असत्य है, आलू कंद वाली फसल हैं, सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला सोन नहर से सिंचित नहीं है? सोन नहर से सिंचित नहीं है तो वह ज़िला है नवादा, बाकी पटना, अरवल और जहानाबाद में होती है सिंचाई। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष जो है ई ग्राम स्वराज पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया था 2020 ईस्वी में? ई ग्राम स्वराज। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो है 22 फसलों की सिफारिश करते हैं। बिहार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किस उप क्षेत्र ने 2017-18 से 2021-22 के बीच की अवधि के दौरान अधिकतम वृद्धि दर्ज किया था? तो वो था पशुधन। 2020-21 में उच्चतम प्रति व्यक्ति GDP पटना के लिए दर्ज की गई, जो कि शिवहर से लगभग कितना गुना अधिक है, जहां प्रति व्यक्ति GDP सबसे कम है? तो ये हो जाएगा 6। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखें यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे दिया जाएगा जो सरकारी नहीं होगा, सरकारी पेंशन के लाभकारी, इसलिए सभी लगा दिया है। और 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को पेंशन के रूप में 400 प्रति माह मिलेंगे और 80 से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रुपये मिलेंगे। रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में विचार करना है कौन सा कथन सत्य है? पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, सही है। पिछड़े राज्यों में पैदा होगा रोजगार संकट, ये भी सत्य है। विकसित राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज होगी,
तो ये जो है एक और दो ही कथन जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। खुली कुल खेती योग्य क्षेत्र का प्रतिशत, कुल खेती योग्य क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है देखा जाए तो अनाज का हो जाएगा। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर TDS की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर TDS की सीमा बढ़ाकर जो है तो ये हो जाएगा कि 3 करोड़ रुपये जो है कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की एक संबद्ध संस्था है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता करता है प्रदान, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय भवन खोलने की योजना है? 740। केंद्रीय बजट 2023-24 में PM आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाया जा रहा है, तो कितना जो है 79,000 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर जो है वस्तु एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, बाकी आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, डायरेक्ट टैक्स। बजट 2023-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को EEE का दर्जा दिया गया है, तो EEE का मतलब क्या होता है? तो इजेम्प्ट, इजेम्प्ट और इजेम्प्ट। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के अनुसार 2019 और 2022 के बीच UPI आधारित लेन देन के मूल्य आधार में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि देखने को मिली थी? 121% की। हाल ही में किसने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्री सैलम मंदिर की विकास परियोजना का उद्घाटन किया था? तो यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्नों को देखें। चाल और वेग के संदर्भ में विचार करना है कौन सत्य है? चाल और वेग के संबंध में देखें तो प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। बिल्कुल सही। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड नहीं होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, तो सत्य है। 1 और 3 जो है सही है। किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? किसके उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है? तो पटाखा फूटने पर पीला रंग सोडियम के कारण से, और हरा रंग बेरियम, लाल चटक रंग मैग्नीशियम के कारण से, नीला रंग हो जाएगा कॉपर के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखें, लाइकेन में भोजन कवक द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। अगले प्रश्नों को देखें। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो वह बैंगनी रंग का हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव के वजह से हो जाता है? तो मेथेनोइक, जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं होता है? विद्युत चालकता जो है किस घोल में नहीं होगा? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज घोल में।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो ऊर्जा का सही क्रम हो जाएगा एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश और इन्फ्रारेड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त रस स्रावित करती है, जो निम्नलिखित में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पित्त रस वसा के पाचन में। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखें, एक तरफ कार्बनिक यौगिक है, एक तरफ उसका उपयोग दिया गया है। तो इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, मिथाइल एल्कोहल कृत्रिम रंग बनाने में, ग्लिसरॉल जूतों के पॉलिश करने में, पायरिन आग लगाने में नहीं बल्कि आग बुझाने में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी विद्युत से लगी आगों को जो है बुझाते हैं। अपचयन से पहले किस प्रकार के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र ताप द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है? दुर्बल क्षारक जो है कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्नों को देखें। साबुन के एक अणु में होता है, तो साबुन के एक अणु में जो है हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ होता है। पौधों में गैसीय विनिमय निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो पौधों में गैसीय विनिमय जो है जड़ में, तना में और पत्ती में, ये तीनों भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है? तो आयतन, द्रव्यमान जो है अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न जीवों में श्वसन की दर से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें, तो जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है, बिल्कुल सही है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। अगले प्रश्न को देखें। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में औसत कथन यानी गलत कथन की पहचान करना है, तो इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम एस जे सिंगर ने देखा था। तो पहली बार अगर देखेंगे तो ये फ्लेमिंग ने जो है देखा था। किसने? तो फ्लेमिंग ने देखा था। और माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं निलहरित शैवालों में अनुपस्थित रहता है। इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किया था तंबाकू के पत्ते पर। कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस में किस तत्व का पता लगाया? तो आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर का पता लगाया था। वर्णांधता के संबंध में औसत यानी कि गलत कथन की पहचान करना है, तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है, अनुवांशिक बीमारी है यह। स्त्रियां इस रोग से तभी ग्रसित होगी, प्रभावित होगी, जब इनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होगी। वर्णांधता की स्थिति पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र एक्स वाई का प्रभावित होना आवश्यक है, यह आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो नर हार्मोन जो है दिए गए विकल्प में हमें ढूंढना है। तो यह हो जाएगा एंड्रोजेंस जो है यह एक नर हार्मोन यानी कि पुरुष हार्मोन है, और यह पुरुष की जो है द्वितीयक यौन विषमताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पत्ती के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है, तो पत्ती को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार माना जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। पत्ती के मुख्यतः दो भाग
पर्णवृत्त एवं पर्णदल होते हैं। तो तीन भाग होते हैं पत्ती के, आधार, पोटियोल और लेमिना। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, तीन भाग। सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल जाता है? तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल जाता है इनवर्टेज एंजाइम के मदद से। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होगा? तो सबसे अधिक तो लाल में होता है और सबसे कम बैंगनी में होगा। विस्थापन के संबंध में गलत कथनों की पहचान करना है। तो देखें, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और यह अदिश राशि नहीं है बल्कि विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है। तो यही गलत था। और विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो सभी जैव यौगिक में जो है कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।